झुक झुक कर सीधा, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, ये लाइंस आपके लिए है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालात हो की भट्टी में, तुम हालात हो की भट्टी में, जब जब भी मुझको झोंकोगे तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरी इस मोटिवेशन की दुनिया में, मेरी इस जुनून की दुनिया में, इस दुनिया में कुछ अलग कर दिखाने की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। हमारा टारगेट है मिशन मैथ्स 50 आउट ऑफ 50। एसएससी सीजीएल प्री की बात कर रहा हूं मैं, 50 आउट ऑफ 50। केवल एसएससी सीजीएल प्री में नहीं, हम मेंस में भी 200x200 का टारगेट लेंगे। प्री हो जाने के बाद जब मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी हम 200x200 का टारगेट लेंगे। अब सबसे पहला सवाल आप सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर केवल 27 डेज बचे, आज से काउंट करें तो 27 दिन बचे, सर 27 दिन में 50 आउट ऑफ 50 हम कैसे ले आएंगे, सवाल आता होगा आपके मन में। मैं क्लियर करता हूं, है ना, अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करिए। मैं 50 मार्क्स आपके सिक्योर नहीं कर रहा हूं, 50 में से 30-35 तो आप लोग कंफर्म ला रहे होंगे, बस 30-35 से 50 तक पुश करने का काम है मेरा। लास्ट के जो 15, 10 या 5 या 20 नंबर है ना, जो आप 50 से नीचे आ रहे हैं, सिर्फ वो नंबर आपको पुश करने का टारगेट है मेरा। और सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एफर्ट्स उन्हीं 10, 15, 20 नंबर में लगता है। क्लियर। अब सवाल उठता है कि ये 10-15 नंबर सिक्योर करें कैसे, किस प्रकार हम ये 10-15 नंबर सिक्योर करके 50 आउट ऑफ 50 तक रीच कर जाएं, 30-35 जो ला रहे हैं वहां से 50 आउट ऑफ 50 तक रीच कर जाएं, क्या करें। तो आप सोचिए आपके साथ प्रॉब्लम होती क्या है पेपर में। अच्छा, एसएससी प्री में तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो टफ आते हैं ना, समझना, जड़ समझना, है ना। प्रॉब्लम की जड़ को समझ जाओगे ना तभी तो हम उसका इलाज करेंगे ना अच्छे से, तभी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। सिर्फ पढ़ाई से करने से मतलब नहीं है, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से 50 से नीचे स्कोर गिर रहा है बार बार, उस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना है ना। ठीक है, तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो इतने ईजी आते हैं कि हम इजीली उनसे गो थ्रू हो जाते हैं, बिल्कुल ओरली ऑलमोस्ट, समझ आ रही बात। लेकिन कुछ एक टफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक क्रिटिकल पार्ट होता है क्वेश्चंस का, समझ आ रही बात, जिनकी वजह से हमारा स्कोर 50 से थोड़ा थोड़ा डाउन होता है। क्लियर। ठीक है, तो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, वे टफ क्वेश्चन, समझ आ रही बात। तो यदि मैं आपकी उन टफ क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे से कमांड करवा दूं, बहुत अच्छे से 50 आउट ऑफ 50 का जो मैंने टारगेट लिया, इट्स नॉट एन इजी टास्क। सिर्फ टारगेट मैंने इस आधार पर नहीं लिया है कि 50x50 बोलूंगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे बच्चे देखने आ जाएंगे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये जीवन जीना मेरा ऐसा एटीट्यूड नहीं है, समझ आ रही बात। क्लियर, जो है बिल्कुल रियलिस्टिक है। 50x50 का टारगेट यदि आप लोगों के लिए लिया है तो उसका एक बिल्कुल एक वेल डिफाइंड पाथ भी बनाया है, दुनिया से कुछ अलग बनाया है जो मैं आपको देने वाला हूं। क्लियर। ठीक है, तो हमें एफर्ट्स लगाने लास्ट के 15 या 20 नंबर पर, और वो जो 15 या 20 या लास्ट के 10 नंबर है जो 50 से नीचे आपको डाउन करते हैं, क्लियर, वो किस वजह से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, टफ क्वेश्चंस, थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन, समझ आ रही बात। तो इन टफ क्वेश्चंस का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, यही मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। क्लियर, हम इन टफ क्वेश्चंस का इलाज दो प्रकार से करेंगे, 1 और 2। टफ शिफ्ट के क्वेश्चंस पिछले 1-2 साल में जितनी भी टफ शिफ्ट आई है, उन टफ शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है उनको बिल्कुल इजी करवा दूंगा मैं, वो प्रॉब्लम की जड़ है हमारी, उसको हम यहां सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका ये होगा हमारा पढ़ने का, दूसरा तरीका हमारा पढ़ने का होगा टॉपिक वाइज क्रिटिकल क्वेश्चंस। देखिए, पिछले 11 सालों से लगातार मैथ्स 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 को जी रहा हूं मैं। क्लियर, दिल्ली, पटना, इंदौर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, सब दूर घूम चुका हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद आपके सामने इतना बड़ा एक मिशन लेकर आया हूं, है ना, एक रियलिस्टिक मिशन। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, टॉपिक वाइज क्रिटिकल क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी टॉपिक्स है, अरिथमेटिक एडवांस ध्यान रखना, अरिथमेटिक एडवांस दोनों होगा कंप्लीट, सिर्फ अरिथमेटिक या सिर्फ एडवांस से 50 में से 50 नहीं आने वाले, अरिथमेटिक एडवांस दोनों के ऊपर कमांड करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को। क्लियर, तो टॉपिक वाइज क्रिटिकल क्वेश्चंस जो होंगे ना, जैसे मुझे पता है, देखिए मैं 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे एक एक टॉपिक के बारे में एक रग रग पता है कि किस टॉपिक में कौन से क्वेश्चंस परेशान करते हैं बच्चों को। तो हर एक टॉपिक में कुछ एक क्वेश्चंस होता है, आप भी समझते होंगे, जो क्रिटिकल होते हैं। तो हर एक टॉपिक में कुछ भी 8-10-15 क्रिटिकल क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी कवर अप करवाऊंगा। तो टॉपिक वाइज जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस है इस
संसार में, इस दुनिया में प्री के हिसाब से, है ना। वो सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा और दूसरा जो टफ शिफ्ट के क्वेश्चन है वो भी आपको करवाऊंगा। तो हमारी प्रॉब्लम की जड़ कहां थी लास्ट के 15 नंबर, जो टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं, उनको इजी कैसे करें। तो इस प्रकार ये दो उद्देश्य के बेसिस पर ये क्वेश्चन करवा करवा कर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। हम कुछ इस प्रकार, मैं कुछ इस प्रकार आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। इतने सारे क्वेश्चंस करवाने का टारगेट लिया है मैंने, समझ आ रही बात क्लियर। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल पढ़ते रहे आराम से, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक्स्ट्रा में थोड़ा सा 10-15 नंबर के लिए मैं स्पेशली काम कर रहा हूं आपके लिए, क्लियर। तो जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चन है ना, टफ शिफ्ट वाले क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज क्रिटिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले तक, क्लियर। ऐसा उद्देश्य है कि इतने सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस करवा दूं कि पेपर बनाने वाला उस क्रिटिकल क्वेश्चंस के एरिया के बाहर जा ही नहीं पाए, ठीक है। ये बोल नहीं रहा हूं, ये हम करेंगे, ठीक है। दूसरा एक और, अब सुनिए, सिर्फ नॉलेज ले लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का नॉलेज ले लेना, और दूसरी बात ध्यान रखें, बेस्ट अप्रोच, विद द बेस्ट अप्रोच। हर एक क्वेश्चन का एक बेस्ट अप्रोच होता है, हर एक क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच जरूरी है, है ना? दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी लॉजिकल बातें, ठीक है ना, 50x50। ये नॉलेज ले लिया हमने, नॉलेज गेन कर लिया, बट आप एक चीज ध्यान रखें, इस नॉलेज को आपको 15 से 20 मिनट में एग्जीक्यूट करना है। 25 क्वेश्चंस आपको 15 से 20 मिनट में एग्जीक्यूट करने हैं, ये चीज ध्यान रखें। जब उन 25 क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में एग्जीक्यूट करने की बात आती है, समझ आ रही बात, तो उसमें आपके माइंड की भी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। सिर्फ नॉलेज काम नहीं करेगा, नॉलेज के साथ साथ आपके दिमाग का भी फोकस होना जरूरी है, आपके माइंड का कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है, आपका माइंड का एफिशिएंटली काम करवाना अपने दिमाग से जरूरी है, समझ आ रही बात। तो इट्स नॉट ओनली नॉलेज गेम, इट इज ऑल्सो अ माइंड गेम, है ना। मैंने बोला ना 50x50 का टारगेट ऐसे ही थोड़ी ना ले लिया यार, इतना बड़ा मिशन लिया है तो कुछ करके दिखाएंगे। 50x50 इस एग्जाम से हम छीन लेंगे, ये एनर्जी लेवल है मेरा। तो एनर्जी लेवल यदि मिला सकते हो तो आ जाओ मेरे साथ, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, माइंड एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। अच्छा, माइंड एक्सरसाइज का आपको फायदा क्या मिलेगा पता है? माइंड एक्सरसाइज से क्या फायदा मिलेगा आपको मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आप 20 सेकंड में कर रहे हो, मान लो कोई क्वेश्चन आप 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, यदि माइंड एक्सरसाइज की हेल्प से उसी क्वेश्चन को यदि आप 15 सेकंड में कर ले तो बुराई क्या है, मुझे बताइए आप। बहुत बहुत स्पीड बढ़ा ली, सब कुछ कर लिया, सारे क्वेश्चंस की बहुत बार प्रैक्टिस कर ली, ये सब कुछ सारे जतन कर लेने के बाद यदि एक क्वेश्चन 20 सेकंड में कर रहे हो, और उसके बाद एक क्वेश्चन 20 सेकंड में कर रहे हो, सब कुछ पूरे योद्धा बन जाने के बाद एक क्वेश्चन को 20 सेकंड्स में कर रहे हो, यदि उसके बाद माइंड एक्सरसाइज करके यदि इस 20 सेकंड को यदि 17, 18 या 16 सेकंड तक ले आए, तो इसमें कुछ बुराई है क्या? समझ आ रही बात, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो इस दुनिया से आपको अलग बनाने वाला एग्जाम में, है ना। ये चीज 50 out of 50 की गारंटी नहीं देगी, लेकिन इस चीज पे बहुत अच्छे से काम किया ना, मैं बता रहा हूं आपको, 50 out of 50 की कहीं ना कहीं गारंटी बनेगी इस चीज से, क्लियर। तो अब सुन लीजिए मेरी बात, इस चीज की यदि मैं बात करूं, सबकॉन्सियस के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को, स्लॉट प्रैक्टिस, है ना, आदत डालना, स्पीड में क्वेश्चंस करने की आदत डालना, स्लॉट प्रैक्टिस बताऊंगा इसके बारे में। दूसरी चीज, मन नहीं लगना, मन नहीं लगना उसका ट्रीटमेंट क्या, उसका भी ट्रीटमेंट दूंगा, मन नहीं लगना। आज के बाद ऐसा होगा नहीं आपके साथ के पढ़ाई करते करते मन हट रहा है, मन नहीं लग रहा है, लगेगा ही लगेगा, लगना पड़ेगा मन को, है ना, ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा इसका, ठीक है, क्लियर। तो जो माइंड एक्सरसाइज है इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर रात में 9 बजे इसी प्रकार जैसे हम आज मिल रहे ना 9 बजे, उसी प्रकार हम देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये क्लासेस अभी अल्टरनेट चलेगी, एक दिन छोड़कर एक दिन, लगभग 2-3 क्लासेस एक दिन छोड़कर एक दिन चलेगी, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इन क्लासेस को डेली डेली कर दूंगा, समझ आ रही बात, क्लियर है। डेली बेसिस पर यदि ऐसी जरूरत पड़ी तो हम डेली बेसिस पर ये क्लासेस चला देंगे, क्लियर, 2-3 क्लास अल्टरनेट करने के बाद, क्लियर, ठीक है। और दूसरा है माइंड एक्सरसाइज के लिए, मैं या तो कोशिश हुई तो कल शाम में 9 बजे, क्योंकि अब क्लास हमारी परसों शाम में होने वाली, तो कल शाम में 9 बजे मैं आप लोगों को इसके ऊपर मिलने वाला हूं, इसके ऊपर कैसे काम करना है, 2-3 टास्क मैं आपको बताऊंगा माइंड एक्सरसाइज के छोटे छोटे, उनको हमें करना चालू करना है। मैथ्स में स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ेगी, समझ आ रही है बात, क्लियर। माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट करेगा, सब कुछ करेगा, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक वीडियो बना के अलग से, मुझसे जुड़े रहें बस, क्लियर। तो ये कहानी आज हमारी, ठीक है। अब
अब जो हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ठीक है, जो हम क्वेश्चंस लेने वाले, देखिए हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन यहां से लूंगा, एक क्वेश्चन यहां से लूंगा, एक क्वेश्चन यहां से लूंगा, अरिथमेटिक एडवांस दोनों चलेगा कंटिन्यूअसली, अरिथमेटिक एडवांस दोनों चलेगा, क्लियर। तरीका क्या होगा मेरे क्वेश्चन लेने का, एक क्वेश्चन यहां से लूंगा, 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 एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्रिटिकल क्वेश्चन जो मेरे अनुसार मैं दूंगा, और एक क्वेश्चन टफ शिफ्ट का क्वेश्चन, समझ आ रही बात। अरिथमेटिक एडवांस दोनों चलाएंगे बहुत अच्छे से, क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। और अब हमारा ये सेशन चलेगा कैसे, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 या 20 सेकंड दूंगा, हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 या 20 सेकंड मिलेगा, उस 15 या 20 सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाऊंगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा और थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सा हम स्पीड से काम करेंगे, थोड़ी सी स्पीड हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, समझ आ रही बात। दूसरी चीज, ये क्लास सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नहीं, ये क्लास मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर भी है ना, उनको भी एक आइडियोलॉजी क्रिएट होगी इस क्लास से, बहुत शानदार वाली, क्लियर। एक 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 एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि कैसे 50x50 एक मैथ्स का जुनून क्रिएट होगा, मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, समझ आ रही है बात, क्लियर। तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, प्रैक्टिस क्लास है ना, एक एक चीज पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा एक एक चीज बताने की, क्लियर। सबको साथ में लेते हुए चलूंगा, थोड़ी सी स्पीड चलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 15 सेकंड्स, नेक्स्ट सॉरी 20 सेकंड्स, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आफ्टर 20 सेकंड्स मैं इसको सॉल्व करता हूं, करिए इसको सॉल्व जल्दी से, जल्दी फटाफट, 20 सेकंड्स है आपके पास, है ना, यू हैव ओनली 20 सेकंड्स, जल्दी फास्ट जल्दी से करना है ना। हुआ क्या सॉल्व, हुआ क्या सॉल्व बताइए, अच्छे से सांस लीजिए अंदर बाहर एंड सॉल्व इट जल्दी से, करिए जल्दी सॉल्व इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन में तो टाइम आपने ज्यादा ले लिया है और मैंने दे भी ज्यादा दिया है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या है। ये क्वेश्चन है एक सॉल्यूशन पर, एक घोल पर, पढ़ पा रहे हैं आप लोग, सॉल्यूशन पर एक घोल पर है, क्लियर। इस घोल में से 25% निकाला, कितना निकाला 25%, आराम से 25% निकाला, यानी कि 4 में से 1 निकाला, तो बताइए 4 में से 3 बचेगा। एक सॉल्यूशन है उसमें से 25% निकाला, 25% निकाला, 4 में से 1 निकाला, 4 में से 3 बचेगा, फिर वापस उसमें केरोसिन डाल के फिर पूरा भर दिया उस बर्तन को, भरने के बाद फिर वापस 2/3 निकाला, कितना निकाला 2/3 निकाला, फिर से है ना, फिर से 2/3 निकाला, यानी कि 3 में से 2 निकाला, बताइए 3 में से 1 बचा क्या, क्लियर है इतनी बात। तो फाइनली 3 से 3 कैंसिल, फाइनल रेशियो है 4 से 1। अब ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि डीजल का परसेंटेज क्या है, क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में, डीजल का परसेंटेज। तो ये देखिए, ये इनिशियल डीजल को बताएगा, ये फाइनल वाले डीजल को बताएगा। इनिशियल डीजल 4 का वैल्यू 50% गिवन है, ठीक से पढ़िए क्वेश्चन को, इनिशियल डीजल 50% है, 4 = 50%, तो 1 = 12.5% आएगा क्या, ये आंसर है। ये शॉर्ट तरीका है ना। अब इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली, एक बर्तन है ना, ठीक है, ये देखिए एक बर्तन है, इसमें पेट्रोल, पेट्रोल 20% है, डीजल 50% है और केरोसिन 30% है, क्लियर। ये एक कंटेनर है ना, ठीक है, 30% क्लियर, पूरा 100% हुआ, इसमें से कितना निकाला है ना, यहां क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक में बता रहा हूं, 25% निकाला, 25% निकाल कर वापस उतना ही केरोसिन डाल दिया, बर्तन पूरा वापस फिल कर दिया, यानी कि वापस 100% हो गया है, फिर से क्लियर। अब फिर इसमें से कितना निकाला, 2/3 निकाला, 2/3 क्लियर, 2/3 निकाल कर वापस उतना ही पेट्रोल डाल दिया, यानी कि फिर वापस 100% फिल कर दिया उसको, क्लियर। अब हमसे यह पूछा गया है, ये दो एक्शन करने के बाद इसके अंदर डीजल का परसेंटेज कितना है, आई बात समझ में, क्लियर। डीजल का परसेंटेज निकालने को हमें बोला है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, यदि डीजल का परसेंटेज निकालना है तो हमें पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है और हमें इस कंटेनर के केरोसिन से भी कोई मतलब नहीं है, हम केवल किसकी बात करेंगे, डीजल से, डीजल की, आती है बात समझ में, क्लियर। अब एक चीज मैंने बच्चों को हमेशा सिखाई है, क्या, कि जिस रेशियो में सॉल्यूशन को यदि 25% निकालोगे तो डीजल भी 25% निकलेगा अंदर से, 25% निकलने का मतलब 4 का 3, तो यदि 4 = 50% है तो 3 = 37.5%, 37.5% आ जाएगा क्या, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब वैसे यदि सॉल्यूशन 2/3 निकालोगे तो डीजल भी 2/3 निकलेगा, 2/3 निकलने का मतलब 3 में से 2 निकला, यानी कि 3 में से 1 बचा,
तीन बराबर 37.5%, तो 1 बराबर 12.5% बताइए आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया डीजल 12.5%। यही तो मेथड है ना ये वाली भी, देखिए आप 4 से 3 और 3 से 1, ये देखिए यहाँ पर 4 से 3 और 3 से 1 है ना, 4 से 3, 3 से 1, 3 3 कैंसल, 4:1, 4 इज इक्वल टू 50, 4 इज इक्वल टू 50, तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 इज इक्वल टू 12.5, सेम मेथड है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 20 सेकंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से फास्ट 20 सेकंड, जल्दी से एग्जैक्ट 20 सेकंड पर रोक देने वाला हूं मैं, है ना, एग्जैक्ट 20 सेकंड से आप लोगों के पास, ठीक है, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, है ना, 20 सेकंड्स, हाँ डन स्टॉप। चलिए इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए आप, इस क्वेश्चन का जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है, ठीक है, कि इसमें आप थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि इसमें आप थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 डिग्री। जैसे ही थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री रखेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोसेक 85 + 5, कोसेक 90 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक, जैसे ही थीटा 5 डिग्री रखेंगे आप, सेक 0 डिग्री, माइनस 10, 60 डिग्री, प्लस कॉट 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या रखना है आपको इसमें, थीटा बराबर 5 डिग्री रखना है ना। देखिए कॉट 30 डिग्री कितना होता है, कॉट 30 डिग्री √3, ये भी √3 कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, सेक 0 डिग्री 1 होता है, कोसेक 90 भी 1 होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। आई बात समझ में। अब सवाल उठता है, अब सुनिए मेरी बात, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू पुट अप करने वाले क्वेश्चन से, कैसे क्वेश्चन से, वैल्यू पुट अप करने वाले क्वेश्चन, समझ आ रही बात, थीटा की जगह मैंने 5 लगाया, थीटा की जगह कुछ भी लगाओगे, कुछ भी, तो भी आंसर सेम आएगा, कुछ भी लगा के प्रूव करके दिखाने का टाइम अभी नहीं है, क्लियर। जो बेस्ट अप्रोच है वो आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट को पढ़कर मैं बाद में आपका रिप्लाई दे दूंगा, अभी कमेंट पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है, क्लियर, ठीक है। थीटा बराबर 5 डिग्री, क्लियर, ठीक है, इसको आप ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हैं, 90 - थीटा, 90 + थीटा वाले कॉन्सेप्ट से, क्लियर, वो आप लोग कर लेंगे, मैं कुछ वो बता रहा हूं जो अलग है, जो आपकी हेल्प करेगा, बेस्ट अप्रोच देने की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन SSC CGL प्री 2019 में पूछा गया है, क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है, इसका आंसर आएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए 20 सेकंड्स, 20 सेकंड में आंसर देना है, फटाफट जल्दी करिए जल्दी से जल्दी करिए, ये क्लास आपके पास एज अ वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, है ना, है ना, ये क्लास लाइव हो जाने के बाद एज अ वीडियो फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगी, ठीक है, आप वीडियो में रिपीटेशन में बार बार देख के क्लियर कर सकते हैं चीजें, ठीक है, चलिए जल्दी से करिए, लास्ट 10 सेकंड्स, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, लास्ट 10 सेकंड्स, डन। चलिए देखिए किसका हुआ किसका नहीं हुआ, कमेंट देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, चलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें करना है, अच्छे से करना है, क्लियर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा, लेकिन कितना इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे देखिए आप लोग, ठीक है, इसमें 1 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं ABC, देखिए 1 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, 1000 मीटर की रेस लगा रहे हैं ABC, इसमें बोला गया है कि ए बी को कितने टाइम से हरा देता है, ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है क्या, ठीक है ना, ए विंस बाय 25 सेकंड्स, ए ने बी को 25 सेकंड से हराया, देखिए यहां पर है ना, ए ने बी को 25 सेकंड से हराया, बी ने सी को कितने सेकंड से हराया, 30 सेकंड से हराया, क्लियर, ए ने बी को 25 सेकंड से, बी ने सी को 30 सेकंड से, तो आप बताइए ए ने सी को 55 सेकंड से हराया होगा क्या, ए ने बी को 25 से, बी ने सी को 30 से, तो ए से सी का कनेक्शन 25 + 30, हम भी तो निकाल सकते हैं ना, बताइए 55 सेकंड से हराया कि नहीं हराया। अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, आप क्वेश्चन में गिवन है कि ए ने सी को 275 मीटर से भी हराया, ये तो हमने निकाल लिया और ये गिवन है, ए ने सी को 275 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या हुआ कि सी ए से 275 मीटर पीछे रह गया और टाइम में सी ए से 55 सेकंड पीछे रह गया, यानी कि सी अब क्या करेगा, सी पीछे रह गया तो सी क्या करेगा, 55 सेकंड में 275 मीटर कवर करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर, तो 275 मीटर 55 सेकंड में सी कवर करेगा, तो सी की स्पीड बताइए 5 मीटर पर सेकंड बनेगी क्या, है ना, 55 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, अब देखो सी
डिस्टेंस में सी 275 मीटर पीछे रह गया, टाइम में सी 55 सेकंड पीछे रह गया, तो 55 सेकंड लेके 275 मीटर को भरेगा ना सी पूरा, तभी तो सी का 1000 मीटर पूरा होगा। यानी कि सी के बारे में इतना पता चल रहा है, 275 मीटर 55 सेकंड में जाएगा, यानी कि पर सेकंड स्पीड सी की क्या बनी, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बनी। क्लियर? किसकी स्पीड है ये? सी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर। यदि 5 मीटर 1 सेकंड में, तो आप सोचिए 1000 मीटर 200 सेकंड लगेंगे क्या सी को, है ना? किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 20 का, तो इंटू 20 है ना, 5 मीटर 1 सेकंड में, तो 5 इंटू 20 1000, सॉरी 5 इंटू 200 है ना, 5 इंटू 200 1000, तो 1000 मीटर सेकंड इंटू 200, 200 सेकंड। तो यदि 5 मीटर 1 सेकंड में, तो 1000 मीटर 200 सेकंड में, यानी कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। तो सी ने 1 किलोमीटर की रेस में 200 सेकंड लिए क्या? तो बताइए सी को 1 किलोमीटर की रेस में कितने सेकंड लगे, 200 सेकंड लगे कि नहीं लगे? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, 200 सेकंड लगे। अब हम बात करें ए का टाइम निकालना, हमसे पूछा क्या है ए को इस रेस में कितना टाइम लगेगा। अब आप ठीक से देखिए, सी का टाइम तो आ गया 200 सेकंड, ए का टाइम निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि ए ने सी से 55 सेकंड कम लिए क्या? अरे यार, ए ने सी को 55 सेकंड से हराया, इसका मतलब क्या है कि ए ने सी से 55 सेकंड लेस टाइम लिया कि नहीं लिया? क्लियर? तो 200 में 55 सेकंड कम करेंगे, यानी कि ए ने ये रेस 145 सेकंड में कवर की। अब 145 सेकंड को यदि आप ब्रेक करेंगे, तो 120 सेकंड अलग कर लीजिए, 25 सेकंड आप इसमें से अलग कर लीजिए, यानी कि ए का टाइम 2 मिनट्स और 25 सेकंड आएगा क्या? 2 मिनट और 25 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? तो ए ने कितने टाइम में रेस कवर की? 2 मिनट और 25 सेकंड। बोलिए, आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, आप रिपीट करके देखिएगा इसको, है ना, आराम से। ठीक है, चलिए लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। योर टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकेंड्स है ना, 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं हर एक क्वेश्चन पर आपको। ठीक है, 20 सेकंड्स है ना, ये क्लास आप रिपीट करके वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व जल्दी से। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, 20 सेकंड्स। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, ये मैं 20 सेकंड्स इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि एग्जाम में भी यही सिचुएशन होने वाली है आप लोगों के साथ, आपको इतना ही टाइम मिलने वाला है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? चलिए लास्ट 3 सेकंड्स, डन। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी माइनस सी है ना, सॉरी प्लस सी है का होल क्यूब माइनस 8a³, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आंसर आएगा इसका सेकंड ऑप्शन। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, 6a ए माइनस बी प्लस सी, कैसे करेंगे ये बता रहा हूं, एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखें, है ना। सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, क्लियर इतनी बात? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वैल्यू पुट अप करके, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1, आप जो चाहे एबीसी की जगह वो वैल्यूज पुट अप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू पुट अप वाला टास्क मैं आपको बता रहा हूं, आप एबीसी की जगह जो चाहे वो वैल्यूज पुट अप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन वही इजी से इजी वैल्यू पुट करें और ऐसी वैल्यूज पुट करें जिससे सारे ऑप्शन अलग अलग आए। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, चलिए ए वन बी वन सी वन, यहां लगाओगे ए वन बी वन सी वन, तो 1 + 1 = -1, 1 का क्यूब आएगा यहां से रिजल्ट, प्लस यहां 1 1 लगाओगे तो 1 - 1 = 0 + 1, 1 का क्यूब आएगा, माइनस यहां 1 लगाओगे तो -8, बताइए -6 आ रहा है क्या आंसर? तो -6 आ रहा है, जो भी ऑप्शन -6 देगा वो आंसर होगा कि नहीं होगा? चलिए ए वन बी वन और सी वन, इसका रिजल्ट क्या है आपका? -6। क्लियर? तो यदि ये -6 है तो ऑप्शन भी -6 देना चाहिए, तो केवल दूसरा ऑप्शन आपको -6 देगा। लगाइए 1 1 1, एक ही जगह 1 लगाएंगे, 6 × 1 = 6 हो गया ये, इंटू फिर उसके बाद यहां 1 1 लगाए, 1 1 0 1, केवल 1 आएगा ये, इंटू यहां 1 1 0 हो गया, -1 आएगा यहां से, 1 1 1 लगाओगे तो -1। तो अब आप देखिए 6 × 1 × -1, देखा -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा कि नहीं होगा? अब ये क्वेश्चन, ये टफ शिफ्ट के क्वेश्चन से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन से? ये टफ शिफ्ट वाले क्वेश्चन से जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है, तो कौन से टफ शिफ्ट के क्वेश्चन से जिनकी वजह से स्कोर बच्चों का रुक रहा है? यही वो क्वेश्चन थे पिछले साल जो आए थे। क्लियर? जितने भी पिछले 2 साल के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको टफ शिफ्ट के। आई बात, मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से लूंगा क्रिटिकल वाला, और एक क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आया है टफ शिफ्ट का, वो। क्लियर? ताकि सारे टॉपिक्स के ओवरऑल क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाए, अरिथमेटिक एडवांस दोनों, और साथ ही साथ टफ शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, ये हमारा टारगेट है। क्लियर? ठीक, चलिए
तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बेसिक तरीके से आप कर ही लेंगे। देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, लगाएंगे तो रिजल्ट इस प्रकार से आ जाएगा। बट प्री एग्जाम में यदि आप ये काम करेंगे इतना सारा, तो सोचिए आप कहाँ जाएंगे। समझ आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुटअप करके किया जा सकता है। वैल्यू पुटअप करने में हमें मास्टरी होनी चाहिए, कब सिचुएशन को देख के कौन से नंबर रखें जिससे जल्दी जल्दी आंसर आ जाए, प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ऐसा लिखे कि सर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, कहां से आप वैल्यू पुटअप में मास्टरी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आए क्या? बहुत अच्छा वाला सवाल। हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करिए सॉल्व जल्दी से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें मैं 25 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, है ना। You have 25 seconds. Solve it fast. 25 seconds. जल्दी करिए सॉल्व। 25 seconds का टाइम आपको मिल रहा है इसमें, है ना। 25 seconds. जल्दी करिए, है ना। Solve it fast. जल्दी से। Time's up. शांति से देखिए क्वेश्चन को मैं क्या बता रहा हूं, है ना। इस क्वेश्चन को थर्ड लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन से, हिंदी वाली थर्ड लाइन। यानी कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में इफ द ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस बी ₹400, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन द करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट प्राइस बाई 33.33%, जो कि वस्तु के लागत मूल्य से 33.33% ज्यादा है। क्वेश्चन भी समझाता हूँ, सोल्यूशन भी करवाता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में सभी लोग एक्स वाई लगाते हैं। अब जिसको भी 100 XY XY नहीं लगाना है, रेशियो से एक लाइन में एंड करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ना सोचे मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है। इसी क्वेश्चन को यहां से यहां तक लिखेंगे तो वो दो लाइन में आ जाएगा। क्लियर? प्री टाइप, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 33.33% ज्यादा है। 33.33% यानी कि 33 1/3%, यानी कि 3 से 4 का रेशियो आएगा। और ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस 4 = 400 गिवन है, 4 = 400, तो लागत मूल्य इस बहाने हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई ₹300। क्लियर? तो ये जो लाइन थी, इस लाइन का यूज सिर्फ इतना था कि इससे हम कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाए ₹300। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? अंकित मूल्य 25% बढ़ाया, मार्क्ड प्राइस 25% इंक्रीज किया, और सेलिंग प्राइस 16.66% बढ़ाया, यानी कि विक्रय मूल्य को भी 16.66% बढ़ाया। तो जो मार्क्ड प्राइस को 25% बढ़ाया है, इसका कोई यूज नहीं है। मार्क्ड प्राइस को 25% बढ़ाया है, इसका कोई यूज नहीं है। सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाया, बस आप ये देखिए, कोई यूज नहीं है। नहीं यूज है तो क्या करें यार, नहीं यूज है, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी चीज का यूज करना है ना। मार्क्ड प्राइस को 25% बढ़ाया, उसका यूज नहीं है। सेलिंग प्राइस को 16.66% बढ़ाया, तो देयर विल बी न्यू एसपी, नया एसपी बन जाएगा। 16.66% यानी कि 16 2/3%, यानी कि 6 से 7 का रेशियो होता है। क्लियर? अरे बेचा है तो खरीदा को तो हो गई ना यार, सीधी सी बात है। और प्रॉफिट, प्रॉफिट सीपी से एसपी के रास्ते में आता है। प्रॉफिट कहाँ आता है? खरीदो और बेचने का जो मार्जिन है उसी को प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है पता है? क्वेश्चन में ये बोला है कि जब सेलिंग प्राइस को 16.66% बढ़ाओगे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट किसे कहते हैं? सीपी से एसपी के मार्जिन को ही प्रॉफिट कहते हैं। तो पहले प्रॉफिट जब ओरिजिनल एसपी था तो पहले प्रॉफिट छोटा वाला था, जब नया एसपी आ गया तो प्रॉफिट बड़ा वाला हो गया। ये प्रॉफिट देखो कितना बड़ा हो गया, है ना। तो छोटा एसपी था तो प्रॉफिट, सीपी से एसपी छोटा वाला प्रॉफिट, तो अब सीपी से नया एसपी बड़ा वाला प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रॉफिट डबल हो जाता है। यदि यहां का प्रॉफिट 1 है तो यहां का प्रॉफिट क्या है? 2 है, ऐसा बोला गया है। यहां का प्रॉफिट यदि 1 है तो यहां का प्रॉफिट कितना है? 2। अब थोड़ा सा डिस्टेंस वाला काम कर ले, माना कि ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर गया, तो ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि दोनों दूरियां आपस में समान है। ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर है, इट मीन 6 से 7। यदि ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये बताना चाहे। प्रॉफिट डबल हो गया यानी कि 2 में से 1 गया तो ये भी 1 बचा है, दोनों मार्जिन इक्वल है। तो यदि 6 से 7 एक है तो यहां भी 1 का मार्जिन यदि आएगा तो बताइए अपने आप, यदि 7 से 6 6 से 5 बन जाएगा ये, तो बताइए इससे लिंक बना के ये निकाल लिया हमने। क्लियर? अब जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो 300 है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 5 बराबर वो कितना है? 300। बताइए इंटू 60 का रिलेशन है, हमें निकालना क्या है इसमें? अरे निकालना क्या यार, पूछा क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस ना, ठीक है। वॉट इज द इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस, यानी कि वृद्धि वाला विक्रय मूल्य। तो यदि 5 = 300 × 60, तो 7 × 60 बताइए ₹420
इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आती है क्या बात समझ में प्यारे बच्चों? क्लियर है? ठीक है, अभी लाइव देख रहे हो, यदि वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो तो रिपीट करके वीडियो के फॉर्म में आराम से 2-3 बार देख लेना। क्लियर? इस क्वेश्चन में सभी लोग, मैंने बोला ना मैं सारे टॉपिक्स के क्रिटिकल क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ ही साथ टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, रिजल्ट बनाऊंगा। आप ये सोचे कि यहां आपको बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन दिखा के अच्छा फील करवा दूं, मैं यहां अच्छा फील करवाना नहीं चाहता आपको, मैं रियलिस्टिक होना चाहता हूं। समझ आ रही बात? एग्जाम में अच्छा फील करें, 50 में से 50 चाहिए। यहाँ क्लास में अच्छा फील कर रहे हो, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जा रहे हैं, आपको मजा आ रहे हैं? नहीं, मेरे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, कुछ नया मिलेगा, क्रिटिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। एक्चुअली जो 50 में से लास्ट के 10-15 नंबर जहां आपकी गाड़ी अटकती है ना, जो प्रॉब्लम की जड़ है, बस उस जड़ को मिटाने की कोशिश है। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए 20 सेकेंड से, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकेंड, जल्दी फास्ट जल्दी से करिए। 20 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ, करिए जल्दी सॉल्व, है ना, जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। 20 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। आप एक चीज समझो, यहां पर कितनी स्पीड से टाइम कट रहा है, इसी प्रकार से एग्जाम में टाइम कटेगा बहुत स्पीड से। क्लियर? चलिए टाइम्स अप। इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब आपको दिया है, ठीक से देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया है क्या? उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा बराबर 1/4 आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे आप, 5+3 और 5-3, आती बात समझ में? ठीक है, तो 5+3 और 5-3 लगाएंगे तो वो सीधे आ जाएगा आपका आंसर वहां से, है ना, आती है क्या बात समझ में, है ना? ठीक है, तो 5+3 और 5-3 दिखाई दे रहा है ना सभी को, विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? एक सेकेंड, थोड़ी सी लाइट में इश्यू आया है ना, ठीक है, चलिए इट्स नॉर्मल नाउ। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, विजिबल है क्लियरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? ठीक है, चलिए चलने देते, रोकेंगे नहीं हम क्लास को, है ना, ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैनेज करिए, थोड़ी सी लाइट का इश्यू है ना। ठीक है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। आपको ऊपर दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 दिया है आपको। ठीक है, तो वहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 5+3 अपॉन 5-3 करके आएगा कि नहीं आएगा? 5+3 अपॉन 5-3 करके आएगा 8/2, है ना, सॉरी 5-3 अपॉन 5+3 करके आएगा तो 2/8 यानी कि 1/4। क्लियर? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि आप लाल बटे कक्का बोलते हो, है ना, वो होता है ना एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान सॉरी हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर हिंदी में बोले तो लाल बटे कक्का, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं आप? लंब, यानी कि L, है ना, और हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं आप? कर्ण, यानी कि कक्का का के। आई बात समझ में? क्लियर? थोड़ा सा मैनेज करिए, थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, ठीक है ना, क्लियर। अब सीधे राइट एंगल ट्रेंगल आप बना लीजिए। देखिए राइट एंगल ट्रेंगल में ये परपेंडिकुलर कितना है? एक, ये परपेंडिकुलर एक है। हाइपोटेनियस कर्ण कितना है? 4। कर्ण 4 है। पाइथागोरस लगाएंगे तो बताइए ये √15 आ जाएगा क्या? पाइथागोरस लगाना आपको आती होगी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, चलिए हमें इसका वैल्यू निकालना है ना। इस कोसेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन पी होता है क्या? और कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी होता है क्या? बताइए, कोसेक थीटा एच अपॉन पी होता है और कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी होता है। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें तो एच अपॉन पी, तो एच कितना है आपका? 4, और पी कितना है आपका? 1। आई बात समझ में? क्लियर? तो एच 4 और पी 1 रखोगे 4/1, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 4 आ जाएगा, 4/1 यानी कि 4। क्लियर? कॉट थीटा बी अपॉन पी, बी कितना है? ये बी √15 है, बी अपॉन पी, तो बी √15 है, और प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल नहीं परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो √15/1 यानी कि ये आपका √15 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये 4+√15, तो नीचे भी सेम वैल्यू 4-√15 आ जाएगा। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने का मतलब 4+√15, 4+√15 ऊपर नीचे दोनों ओर जाएगा, तो 4-√15, 4+√15 a² - b² 1 हो जाएगा, 4+√15 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 2 टाइम्स हो जाएगा ना 4+√15 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 31+8√15 ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? आया समझ में क्या किया हमने, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है जो टाइम लिए एग्जाम में। समझ आ रही है बात? क्लियर? टफ शिफ्ट के टफ क्वेश्चन की कैटेगरी वाले क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है,
तो साइन थीटा 1/4 परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्लियर है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सीधे साइन थीटा निकालने का तरीका होता है, ऊपर दोनों को माइनस करें, नीचे दोनों को ऐड कर दे, 5 - 3 / 5 + 3 है ना, तो 2/8 यानी कि 1/4 आ जाएगा, क्लियर सीधे, ठीक है। या फिर उसको स्पीड से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्लियर, ठीक है। और इस प्रकार से ट्रेंगल बना के किसी का वैल्यू पुटअप करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। आती है क्या समझ में, क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप अभी डाल दें, मैं उसको जब भी देखूंगा तो उसको क्लियर करूंगा उस प्रॉब्लम को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाए कि आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल, है ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, ये रहा अगला सवाल, ये देखिए इसको करिए सॉल्व जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्लियर। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा, इसका सॉल्यूशन एक लाइन का है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक लाइन का सॉल्यूशन इसका, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए करिए जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 25 सेकंड्स, क्लियर। 25 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, थोड़ा सा मैनेज करिए, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लाइट की, थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है। जल्दी से करिए जरा इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आता है देख लेते हैं, है ना, ठीक है। रुकेंगे नहीं लाइट की वजह से, है ना, थोड़ा सा देखने में इश्यू दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, है ना। हुआ क्या सॉल्व, हुआ क्या सॉल्व यह क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए देखते हैं, है ना, ठीक है। हाँ क्या क्वेश्चन है, चलो देखो मैं बताता हूँ, है ना। चार सेक्शन है ए बी सी डी, ए बी, थोड़ा सा डार्क लिख रहा हूँ ताकि दिखे अच्छे से, ए बी सी डी, है ना। चार सेक्शन ए बी सी डी का कंबाइंड एवरेज 60 दिया है, और ए बी सी डी का इंडिविजुअल एवरेज क्या क्या दिया है, 45, 50, 72 और 80, 45, 50, 72 और 80, है ना, ये एवरेज है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि ए एंड बी का कंबाइंड एवरेज, ए एंड बी का कंबाइंड एवरेज 48 है, ठीक है, ओके माना भैया। और उसके बाद दिया है बी एंड सी का कंबाइंड एवरेज कितना है, 60। बी एंड सी का कंबाइंड एवरेज जो है वो कितना गिवन है आपको, 60, यानी कि बी एंड सी का, बी एंड सी का कंबाइंड एवरेज कितना दिया है, 60। आई बात समझ में। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, इसमें इस 48 एवरेज का कोई यूज नहीं है, नहीं है यूज तो क्या करें यार, नहीं है ना अब यूज, ठीक है, नहीं है। 50 और 72 का एवरेज क्या है आपका, 50 और 72 का 60, क्लियर, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, ठीक है। अच्छा इस ए और डी को साथ में लिख लें, है ना, ए और डी को मैं साथ में लिखना चाह रहा हूँ, तो डी को इधर कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखेगा ना इधर कर देंगे तो, चलिए नीचे लिख दूँ क्या, चलिए ए और डी दोनों को यहीं कर देते हैं ना, डी 80, ठीक है, दिख रहा होगा इतना तो आप लोगों को, ठीक है ना, ए और डी, डी कितना है 80 और ए कितना है 45, इसको यहाँ ले लो ए को, है ना, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब किसी पूरे सिस्टम का एवरेज 60 हो और उसके किसी एक पार्ट का एवरेज भी 60 हो, तो बचे हुए पार्ट का एवरेज भी ऑटोमेटिकली 60 होता है। ये एवरेज या एलिगेशन में कई बार समझा चुका हूँ मैं, कि किसी पूरे सिस्टम का एवरेज 60 हो और उसमें से किसी एक टुकड़े का 60 हो, तो दूसरे बचे हुए का भी अपने आप क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्लियर। तो एलिगेशन लगा लेंगे यहां पर। अच्छा हमें निकालना है क्या, ए से डी का रेशियो केवल निकालना, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, केवल कि पूरे का एवरेज 60 है और उसमें से किसी एक पार्ट का एवरेज 60 है, तो बचे हुए पार्ट का भी एवरेज बैलेंस बनाने के लिए 60 होना पड़ेगा। इधर का डिफरेंस 20, इधर का डिफरेंस 15, 4:3 आएगा। तो बताइए ए से डी का रेशियो क्या आएगा आपका, 4:3 आएगा कि नहीं आएगा, आती है क्या बात। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कितना इजीली हुआ, बस एक कॉन्सेप्ट सिखाना यहाँ कंपलसरी था कि जब पूरे सिस्टम का एवरेज हो और बचे हुए का एवरेज सेम हो, तो अपने आप बचे हुए का एवरेज वैसा का वैसा हो जाएगा। आ गई लाइट, आ गई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं क्या आपके सामने, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने क्वेश्चन कर लिए अभी हमने, 3, 4, 5, 6, 7, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं आपके सामने, ठीक है। चलिए ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करिए सॉल्व जल्दी से इसको, ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए फास्ट, है ना, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, करिए जल्दी सॉल्व इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व इट फास्ट, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी जल्दी फास्ट करिए, है ना, लास्ट 10 सेकंड्स, फास्ट, लास्ट 5 सेकंड और दिए, करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन SSC CGL प्री में आया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना
टफ शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो टाइम टेकिंग थे एग्जाम में। एग्जाम में बैठकर ये क्वेश्चन करोगे आपको टाइम लगेगा, क्लियर। चलिए ओके, टाइम सब, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 21 दिया है, और उसके बाद क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको निकालना है। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। प्लस की जगह एक और इक्वेशन यहां पे क्रिएट करो, माइनस वाली क्रिएट करो, प्लस है, माइनस वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, 21/7 से, 21/7 से कितना आ जाएगा 3। ये फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, जब प्लस की इक्वेशन और ये रिलेशन दिया हो तो इसमें से इसको डिवाइड करके माइनस वाली इक्वेशन बन जाती है ना, कैसे बना ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू 3 आ गया ना ये, है ना, 21/7 कितना आ गया 3। कुछ नहीं, इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करेंगे, एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो अपने आप ये रिलेशन बन जाएगा, क्लियर। इन दोनों इक्वेशन को जब एक बार प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया क्या, इनको प्लस करेंगे कट जाएंगे दोनों आपस में, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया आपका, इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 हो गया, 2 कॉमन निकल के उधर कटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्लियर। एक बार प्लस किया, अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे क्या, क्लियर। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस का 2xy इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, 2 से कैंसिल करोगे 2 आएगा तो xy इज इक्वल टू कितना आएगा 2। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यदि स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर आ जाएगा क्या, क्लियर। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में इससे डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन में इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। तो चलिए इधर डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसमें डिवाइड दे दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, क्लियर। इसमें इसको डिवाइड कर दो, क्लियर। अब इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा यहां से, प्लस इसके साथ सेपरेट करेंगे, वाई स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहां से, जो कि किसके बराबर है 5/4। तो यही तो हमें निकालना था, समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन में किस चीज के नॉलेज की जरूरत थी हमें, कि यार प्लस के साथ माइनस का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, 21/7 सीधे 3, क्लियर। आई बात समझ में, दोनों को एक बार ऐड करेंगे इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बनेगा, दोनों को माइनस करेंगे ये इक्वेशन बनेगा, इसमें से इस पर डिवाइड देंगे सीधे आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। देखिए अब सवाल उठता है, सर एग्जाम में हमें कैसे याद आएगा, अरे यार प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें याद आती है, यही तो प्रोसेस है, यही तो तरीका है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपने किया, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार करोगे, चौथी बार अपने आप रिमाइंड होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर। अब सवाल उठता है, सर ये वाला इक्वेशन कैसे बना, 21/7 कैसे बनाए, तो देखिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कैसे बना 21/7, क्लियर। ये इक्वेशन तो क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में इधर भी लिख देता हूं, है ना, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो फैक्टर कैसे बनते हैं उसका भी तरीका है, लेकिन वो बताने का टाइम नहीं है इतना भी, है ना। कैसे बनते हैं दो फैक्टर, वो भी बन जाएंगे यहीं पे, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा यहीं से, ठीक है। चलिए इस प्रकार दो फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर करने के बाद इसका वैल्यू क्या है 7, तो इसका वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 7, है ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 7 यहां पर, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 7। फोन लगेगा मुझे जल्दी, है ना, इसका वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे 7, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे 7 पुटअप करोगे आप, जैसे इसकी जगह 7 पुटअप करोगे तो आप देखिए 7 21 के अपॉन में जाएगा, तो सीधे 21/7, बताइए इसका वैल्यू 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है क्या बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को, ठीक है। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए जल्दी से फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करिए, जल्दी से फटाफट फास्ट, है ना, सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे हम, ठीक है, जल्दी फास्ट करिए, कपिल जल्दी करना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से फास्ट, जल्दी से। आया क्या आंसर इसका, 1 2 3, आया क्या आंसर आया इसका आप लोगों का, मिक्सचर हो गया, है ना, मिक्सचर हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इलिगेशन हो गया, हाँ आया है क्या आंसर इसका बताइए,
चलिए जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, एक 2 सेकंड रुकिए, है ना, 2 सेकंड मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, करिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इतना, है ना। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे, 1 मिनट रुकिए, है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को करते रहिए, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, अरे कुछ नहीं यार इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि 4 चिल्ड्रन प्लस 2 मैन उस वर्क को कितने टाइम में करेंगे, क्लियर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा इसमें एक चीज आपको दिख रही है, 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रन इस काम को कितने टाइम में करते हैं, 15 डेज में करते हैं क्या, 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रन इस वर्क को 15 डेज में करते हैं, ये गिवन है और ये निकालना है। अब आप ठीक से देखिए, एग्जैक्टली डबल है ना डाटा, एक आदमी है यहाँ, 2 आदमी हो गए, 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए, मजदूर डबल हो गए। जब मजदूर डबल करोगे तो टाइम आधा लगेगा उसी काम को करने में। अरे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बनाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन हमें, क्लियर। जब हम मजदूर डबल करेंगे तो टाइम अपने आप आधा होगा कि नहीं होगा, एक आदमी उस काम को कर रहा उसी प्रकार के 2 आदमी लाओगे तो अपने आप टाइम आधा हो जाता है, सीधी सी बात है, आदमी डबल करोगे काम करने वाले, टाइम आपका आधा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार सवाल है ये रहा, जल्दी से करिए फटाफट सॉल्व, है ना, जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। कपिल हाँ जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फास्ट, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास, है ना। हाँ करिए सॉल्व, आता है क्या आंसर इसका, आया आंसर किसी का इसका, करिए सॉल्व जल्दी से इस क्वेश्चन को। आया क्या आंसर आपका, करिए सॉल्व जल्दी से, 1-2 मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ, है ना, आया है क्या आंसर, आया हो आंसर किसी का तो बताइए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना, एक लाइन में होगा इसका सॉल्यूशन, एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना। यहां से हमने आज क्लास स्टार्ट हुई है, हर दिन क्लास और इंटरेस्टिंग और अच्छी होगी, समझ आ रही है बात, क्लियर। ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, मेरा टारगेट है जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस है सारे कवर अप करवा दूं। दूसरी जो माइंड की एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्लासेस आपकी एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी, अल्टरनेट डेज पर ये क्लासेस आपके सामने आएगी, आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। अभी लगभग 2-3 क्लासेस अल्टरनेट डेज पे आएगी, फिर मैं इन क्लासेस को रेगुलर कर दूंगा, ठीक है। इन क्लासेस का सिर्फ आप दर्शन करिए, उतने में ही आपका फायदा होने वाला है, क्लियर है, ठीक है। और दूसरा एक और, हाँ माइंड वाली एक्सरसाइज के लिए मैं कल या परसों में आपको इन्फॉर्म करूंगा, क्लियर। यूट्यूब पर आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हर एक चीज का सोल्यूशन दूंगा आपका। देखिए 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपका टाइम टेबल क्या है, डेली का शेड्यूल क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और यदि किसी की कोई प्रॉब्लम हो, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन भी दूंगा, मन भी लगेगा पढ़ने में, एक एक चीज का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो, ये नंबर है मेरा, ठीक है ना, ये नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करें या फिर कॉमेंट में लिखें, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखे। देखिए क्लासेस चलाते समय मैं कमेंट आपके देख नहीं पाता हूँ, आई बात समझ में, क्लियर। क्लासेस चलते समय कमेंट देख नहीं पाता हूँ क्योंकि वो सोर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है कमेंट देखने का, क्लियर, ठीक है। मैं बाद में क्लास के बाद आपके कमेंट देख पाऊंगा आराम से बैठकर अपने सेल फोन में,
समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है, तो आप अपने कमेंट कर दे, जो भी कमेंट करेंगे उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। क्लियर है इतनी बात? सो चलिए यहीं पर क्लास हम हमारी एंड अप करते जाते जाते, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, कहां रह गई कमी देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, कहां रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जे जे कार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जे जे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 50 out of 50 लेकर आना है, 50 out of 50 लेकर आना है। जो माइंड प्रोग्राम बताने वाला हूं उसको अच्छे से फोकस करना है। यदि किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर रहे हो, उसको आपको 20 या 25 सेकंड पे आना हो, तो माइंड वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड, थैंक यू।